तो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत सारा है। मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो बहुत हो रहा है ना। मुझसे आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछोगे मैं बिल्कुल फ्लुएंटली आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, जब आप पहली बार जा रहे हो तो कोई डायरेक्ट आपसे टेक्निकल राउंड नहीं करता है। और अगर राइट आपने मॉक दिया, जैसे मेरा क्या है कि जब पहली बार मैम ने मेरा मॉक लिया तब मुझे याद है कि मैं कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजीली बता पा रहा था, जैसे बेसिक इंट्रो में बता पा रहा था। लेकिन वही मैं बताया कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपने कभी सुना नहीं है, कभी उसका राइट जवाब नहीं दिया है, तो आप फ्रेम नहीं कर पाओगे। और वहां अगर आप डायरेक्ट अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और वहां आप अगर अटक गए कि अरे सर इसका क्या आंसर दें, तो वहां राइट आपका निगेटिव इमेज बन गया। लेकिन अगर बिल्कुल आपने मॉक दिया है तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। एक तो ये पता चल जाएगा कि बेसिकली इंटरव्यूअर के माइंड में क्या होता है, वो क्या पूछता है, और दूसरे कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्या आंसर देना है, विच विल बी द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये, और एक बार अगर आप मॉक में बैठे हो ना, तो फाइनल में जब आप बैठते हो तो लगता है कि अरे सर ही तो जैसे मॉक ले रहे हैं। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। टुडे वी हैव इन दिस चैनल अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम अविनाश सिंह है। अविनाश ने रिसेंटली बिरला ओपन माइंड्स का इंटरव्यू क्रैक किया है एज अ मैथमेटिक्स लेक्चरर। तो ही हैज ज्वाइंड विद अस इन दिस सेशन टू शेयर द कंप्लीट जर्नी के राउंड ऑफ इंटरव्यूज कैसे हुए, हाउ ही टैकल्ड एवरीथिंग, बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है। ही कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग इन डिटेल। तो प्लीज वॉच दिस टिल कंप्लीट एंड ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू एंड हाउ थिंग्स हैपेंस इन द इंटरव्यू। बहुत कुछ सीखना है अविनाश से, तो वीडियो को पूरा देखना है एंड लर्न करना है उनसे, ताकि जब आपको मौका मिले इंटरव्यू देने का यू कैन एटलीस्ट गो विद एवरी सिंगल थिंग। एंड यस डू थैंक हिम बिकॉज ही हैज स्पेयर्ड हिज टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपके साथ वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सके एंड ही कैन गिव एवरी थिंग आउट ऑफ हिज जर्नी। उन्होंने क्या सीखा, क्या किया एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट किया। तो अविनाश फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश थैंक हैं यू सर। पूरी फैमिली के, आपको एक प्रॉपर एक लेवल मिल गया, एक पोजीशन मिल गया, डेजिग्नेशन मिल गया जहाँ से यू कैन प्लान योर जर्नी। आपने काफी एफर्ट्स किए कि पीपल डोंट नो अविनाश वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर मॉक इंटरव्यू सेशन जिन्होंने हमसे सीखा था। तो वील डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स बट पहले वील अंडरस्टैंड दैट हाउ ही हैज ट्रैक दिस जर्नी। तो अविनाश पहले वील स्टार्ट विथ योर बेसिक इंट्रो, कहाँ तक कैसे पहुंचे आप बिरला ओपन माइंड्स तक, कैसे आपको वो लिंक अप मिला, देन हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, क्या क्या राउंड हुए आपके इंटरव्यूज के एंड हाउ फाइनली यू गॉट द यस ऑफर लेटर। एंड क्योंकि यू हैव स्टार्टेड द जॉइनिंग, आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हो, यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्रेस कि हाउ थिंग्स हैव हैपेंड। आपके बारे में थोड़ा जानेंगे देन वील मूव विद द जर्नी ऑफ योर। तो ओवर टू यू कैन यस स्टार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अविनाश सिंह और मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली मैं लखनऊ में एक आरके क्लासेस प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ाता था। उसके पहले भी मैं 2-3 साल गोरखपुर में भी पढ़ाया हूँ, तो 4-5 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। बट अभी सर से मिलने के पहले मैं 1-2 महीने थोड़ा सा, मेरे प्रॉब्लम भी थी, मैं खाली भी बैठा रहा, तो सर से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, तो सर ने मुझे ट्रेनिंग भी दिया। और बेसिकली मुझे प्रॉब्लम थी कि इंटरव्यू मैंने कभी दिया नहीं था। ये था कि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 5 साल से मैं सेम कोचिंग में, मौका ही नहीं कि मुझे इंटरव्यू देना है। तो बट मुझे नीड हुई, सर का हेल्प मिला, और धीरे धीरे करके, जैसे अभी मैं आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। तो फिर वहां से जब मैं छोड़ा तो मैं पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का सोच रहा था। वहां पे सितंबर में एक हायरिंग थी, सर ने बताया भी था वहां जाने के लिए, बट कुछ रीजन थे मैं वहां जा नहीं पाया, तो वो वैकेंसी मेरी छूट गई। फिर सर ने 1-2 जगह और बताया, बट कुछ रीजन थे, फैमिली इश्यूज थे, मैं जा नहीं पाया। फिर उसके बाद अचानक से मुझे यहाँ बिरला ओपन माइंड्स, एक यहाँ लातूर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे IITN एंड NITN को प्रेफर करते थे, ऐसा उन्होंने बोला था। बट सर ने बोला कि आप अप्लाई तो करो, एटलीस्ट ट्राई करो, मे बी आपकी वीडियोज पसंद आए। तो मैंने उनको वीडियो लेक्चर भेजा अपना, तो जब मैंने उनको वीडियो लेक्चर भेजा तो उन्हें चीजें पसंद आई। फिर उधर से रिप्लाई आया कि सर कैन वी अरेंज मीटिंग विद यू, मैंने कहा बिल्कुल सर। तो वहां से उन्होंने मेरा फिर राउंड 1 इंटरव्यू के लिए मीटिंग सेट किया। संडे को था मेरा, तो 15 को था, 13 या 14 के डेट में था। तो राउंड 1 मॉर्निंग में हुआ और उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद से आपका फाइनल राउंड होना है, तो और डेमो लेक्चर भी होना है।
तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं रास्ते में कहीं मार्केट गया हुआ था तो अचानक से फोन आया कि सर आज ही आप राउंड टू भी दे दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, अच्छा है, बढ़िया है, अपॉर्चुनिटीज जल्दी जल्दी आ रही हैं। तो फिर शाम को 6 बजे से फिर से मीटिंग सेट हुई, फिर उन्होंने डेमो राउंड भी लिया, 10 मिनट का मेरा इंटरव्यू बोला था उन्होंने और 1 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू लिया उन्होंने, 2-3 चैप्टर से डेमो भी कराया और लगभग आई थिंक 60 to 70 questions भी पूछे। और मैं यहाँ पे एक बार ये कहना चाहूंगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे वो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिली सर से। सर ने मुझे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस दिए थे जो मतलब जनरली हर एक जो एक इंटरव्यूअर होता है वो आपसे पूछता ही है, क्योंकि हर चैप्टर से बेसिक्स होते हैं वो आपसे पूछे ही जाते हैं। क्योंकि फाउंडेशन, मैं एक फाउंडेशन फैकल्टी हूँ तो मैं 10th क्लास तक पढ़ाता हूँ नीट एंड जेई के बच्चों को, तो मुझे बेसिक्स आने चाहिए। और वो सर मुझे सर का दिया हुआ जो नोट्स था वो बहुत मतलब हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो इस तरीके से उन्हें सब कुछ पसंद आया, 2-3 दिन उन्होंने वेट करने को बोला, फिर फाइनल कॉल आई उधर से, कहा कि सर आप कितनी जल्दी आ सकते हो हमारे वहां। तो मैं कहा सर लखनऊ से ट्रेवल करने में 36 घंटे लगते हैं और ट्रेन भी कम है और सामान लगेज ज्यादा होगा तो मैं फ्लाइट से आ नहीं सकता। फिर मैंने 15 दिन का टाइम लिया एंड फाइनली आई एम हियर फ्रॉम 1st ऑफ फरवरी। वेरी गुड अविनाश, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी स्टार्टिंग से, और आपने जो भी राउंड ऑफ इंटरव्यूज दिए होंगे, आई एम श्योर आपने इतनी प्रैक्टिस करी हमारे साथ, इतना अपने आप पे काम किया, अपने आप को इतना बूस्टअप किया, आई एम वेरी श्योर कि आप जहाँ भी जाओगे आप अच्छा करोगे, बिकॉज आपने इतना रिहर्स कर लिया है, जो गलतियाँ थी वो आपने ऑलरेडी रेक्टिफाई कर ली है। सो नाउ वी वॉन्ट टू नो फ्रॉम द स्टार्टिंग के राउंड क्या क्या हुए थे आपके बिरला ओपन माइंड में, एंड हाउ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे आपने उसके आंसर किए, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा बिरला ओपन माइंड के साथ? यस सर, सबसे पहले तो एक बेसिक टेक्निकल राउंड था। तो पहले तो एक रिटेन था, छोटा सा रिटेन, तो रिटेन तो मैंने क्रैक कर लिया क्योंकि रिटेन बहुत ज्यादा टफ तो मुझे नहीं लगा, ठीक ठाक था। तो रिटेन जब क्रैक हुआ तो उन्होंने एक बेसिक टेक्निकल राउंड रखा, राउंड 1 का। तो राउंड 1 का जो टेक्निकल था वो लगभग 45 के अराउंड क्वेश्चंस मेरे से पूछे उन्होंने। बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जैसे उन्होंने पूछा कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड इन सेंटर, और फिर मीडियन क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, क्या उनमें डिफरेंस है। फिर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तो होती है लेकिन कैसे होती है, कैन यू डिफाइन इट, कैन यू सॉल्व इट। तो मैंने उसको भी बताया कि हाँ कैसे होता है। फिर उन्होंने प्रोबेबिलिटी से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ग्रेटर हो सकती है, तो बहुत ही बेसिक है कि कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उन्होंने रूट्स पे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा, पैराबोला जो बनता है उसके जो वर्टेक्स होते हैं उनके पॉइंट्स पूछे, श्रीधराचार्य मेथड पूछा। तो इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे पूछे। राउंड 1 मेरा बहुत अच्छा गया, मुझे याद है कि मैंने एक क्वेश्चन का केवल जवाब नहीं दे पाया था, केवल एक सिंगल, उसमें भी मैंने आंसर किया था बट कैसे आएगा वो आंसर ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो थोड़ा सा 11th का था। तो ये राउंड 1 अच्छा था, टीचर एक इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा कि सर आपका राउंड 2 भी होगा। तो राउंड 2 में 6 6 पर्सन थे जो मेरे इंटरव्यू मेरा ले रहे थे। तो बारी बारी थोड़ा सा इत्तेफाक ये रहा कि सारे टीचर्स, उनमें से 4 टीचर्स मैथ्स के ऑलरेडी टीचर मैथ्स के ही थे, तो जेई राइट के थे, तो उन्होंने बहुत डीप जाके मेरे से क्वेश्चन पूछा। जैसे मुझे उन्होंने जब डेमो की लेक्चर के लिए बुलाया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे पहले एक्सप्लेन करने के लिए बोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई डीप नहीं गया, जैसे एक पैराबोला बनता है, तो पैराबोला में अपवर्ड बनता है डाउनवर्ड बनता है। अब उसमें उन्होंने डिटेल जाके मेरे से पूछा कि ABC की वैल्यूज हैं कब पॉजिटिव कब निगेटिव होती हैं। अच्छा ये तो ठीक है, यहां तक भी ठीक था, बट उन्होंने पूछा कि अगर ग्राफ ऊपर जाता है, मान लीजिए आप एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, फिर कंडीशन क्या होगी। फिर मतलब पूरा कंप्लीट डिटेल उन्होंने पूछा। तो बेसिकली ज्यादा ये था कि जो डेमो लेक्चर था उससे ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। फिर एक और टॉपिक का डेमो उन्होंने मुझे दिया ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद बाकी राउंड 2 में बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चन कुछ एडवांस क्वेश्चन भी पूछे, कुछ 11th के क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी पूछे। और तो ये पूरा राउंड 2 भी था, तो राउंड 2 भी मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो वो वेरी मतलब बहुत गुड, इम्प्रेस भी वो ड्यूरिंग द सेशन, वो ऐसा बोल रहे थे कि सर आप तो अपना अरेंजमेंट कर लो, ऑलमोस्ट हमारे तरफ से डन है। राउंड 2 में ही उन्होंने ओह क्लियर कर दिया था। वेरी गुड तो वेरी गुड। राउंड रहा सर।
सो आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट द एग्जैक्ट ऑफर लेटर की क्या ज्वाइनिंग वगैरह होने वाली है आपकी आफ्टर राउंड टू? 3 डेज के बाद पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कब आ सकते हो, तो मैं कहा कि सर मैं मुझे यहाँ रिजाइन करना होगा, अभी करंटली मैं जहाँ हूँ फाइनल उधर बोलना होगा और मुझे शिफ्ट करना होगा लखनऊ से, बहुत सारा सामान है, मेरी पूरी फैमिली रहती है, तो मैंने 15 दिन का टाइम मांगा था। 3 दिन बाद उन्होंने मुझे ऑफर लेटर पूरा कंप्लीट सेंड कर दिया और एक एक तारीख से मुझे ज्वाइन करने के लिए बोल दिया। 3 डेज लिया उन्होंने। वेरी गुड. अविनाश, मेरा बस एक क्वेश्चन है आपसे टेस्ट के रिगार्डिंग. जो टेस्ट दी थी आपने यहाँ पे, टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं और टाइम लिमिट क्या रहती है टेस्ट में? सर 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहते हैं, हाँ सर, और 1.5 आवर का टाइम रहता है। और पासिंग और मार्क्स क्या रहते हैं आपके हिसाब से, कट ऑफ क्या रहता होगा? आई थिंक सर अगर 70% से ऊपर आपके मार्क्स, 75% से ऊपर अगर करेक्ट हैं, होता क्या कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो नो डाउट दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द 11th एंड 12th ऑल्सो, बट अगर आपको नहीं आ रहा, इफ यू आर नॉट कन्फर्म कि ये मुझे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो आपको बचना चाहिए, कुछ क्वेश्चन लीव कर दो। आप 27 क्वेश्चंस करो, 25 क्वेश्चंस करो, मतलब 25 का लेके चलो आपकी, करेक्ट करना है मुझे, बाकी एक दो आप ऊपर नीचे जा सकते हो बट उससे कम नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं, आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और मेरा यस एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग डेमो. डेमो जो आपने दिया था यहाँ पे, उसकी लेंथ क्या थी, आपने टाइम ड्यूरेशन क्या रहा डेमो का आपका? सर, मैंने तो इनका डेमो लेक्चर जो इनको पहले भेजा था जब इन्होंने मांगा था, तो मैंने एक 22 मिनट का दिया था और एक 17 मिनट का दिया था। ऑल्दो थोड़ा सा अच्छा. लेंदी हो गया था बट पूरा टॉपिक मैथ्स है सर, तो कवर करके ही मैंने भेजा था। और लाइव जो आप देते हो इंटरव्यूज, राउंड वन राउंड टू जो आपने दिए यहाँ पे इंटरव्यूज के, वहाँ लाइव डेमो भी होता है आपका? यस सर, एग्जैक्टली। लाइव राइट. डेमो तो काफी लंबा चला, और दो दो टॉपिक पे उन्होंने मेरे से डेमो कराया था, एक तो क्वाड्रेटिक अच्छा. इक्वेशन पे कराया था, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री पे भी कराया था, और कई ओके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए मेरे से। ओके. सो अविनाश, आप मॉक इंटरव्यू का पार्ट रहे हो, आपने बहुत कुछ सीखा है हमसे, तो आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि डेमो के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए जो बहुत हेल्प करती है आगे वाले हर कैंडिडेट को जो भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करे, बट ये टिप्स फॉलो करने से काफी हेल्प मिलेगी उनको. आपके हिसाब से वो कुछ पॉइंट्स क्या एग्जैक्टली हैं? सर, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेमो लेक्चर की तो बात हम कर रहे हैं, बट उसके पहले जब हम एचआर राउंड में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जो इंटरव्यू देने वाला है वो उसको टैकल नहीं कर पाता। जैसे अगर उन्होंने पूछा व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो जनरली जो इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया है वो थोड़ा सा अटक जाता है कि वीकनेस में क्या बोलूं। मुझे याद है कि जब मैम ने मेरा पहली बार मॉक लिया था तो मैं भी इस क्वेश्चन में अटक गया था। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आंसर करूं। तो जब मेरा मॉक सेशन आपने पूरा उसको देखा, फिर मैम ने मुझे बहुत कुछ समझाया था कि आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो, दिस इज द बेटर वे टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उसका तो सबको ध्यान रखना चाहिए और वो जरूर रखना चाहिए। टेक्निकल तो आपको करना है बट बेसिक इंट्रोडक्शन एंड देयर आर 10 to 15 क्वेश्चंस जो बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं और उसका अच्छे से आंसर करना है आपको। टेक्निकल तो आप दोगे ही, और जब आप डेमो देते हो तो डेमो का सबसे पहले सर ये ध्यान रखना है कि आप बहुत लेंदी डेमो नहीं देना है आपको। डेमो लेक्चर जो भी आप बनाओगे वो 15 to 20 मिनट्स, दैट इज एनफ, क्योंकि उसमें एग्जामिनर जो है सर ने, मैंने यहाँ पूछा भी तो उन्होंने बताया कि हम क्या देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। आपने एक टॉपिक पढ़ाया, एक भी नहीं, आधा टॉपिक पढ़ाया, पर क्या उसमें आप कॉन्फिडेंट थे, कहीं आप अटके तो नहीं, या आपने डिटेल में उसको चीजें समझाई या नहीं समझाई। तो ये करना है कि डेमो लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करना है और जितना भी आप पढ़ाओ कंप्लीट पढ़ाओ, तो ये वो चीजें ध्यान रखनी है, और बिल्कुल फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। परफेक्ट. ओके. सो गाइस, ये बेसिक टिप्स है डेमो की. और अविनाश, क्योंकि देखा है वहां का माहौल, देखा है वहां के इंटरव्यूज देखे हैं, तो प्लीज डू अप्लाई दीज टिप्स. जब आपका डेमो होगा, इसको अप्लाई करना है, बस सुनना नहीं है, सुन के अप्लाई भी करना है, बिकॉज दीज थिंग विल हेल्प यू. अविनाश ने इंटरव्यू क्रैक किया है, उनकी अपनी जर्नी रही है. हाँ जी, प्लीज. वन मोर थिंग सर, कि अगर आप कुछ एग्जाम्पल दे पाते हो ऐसा, जैसे अगर आप लाइव भी डेमो दे रहे हो जूम के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू, तो आप कोशिश ये करिए कि ऐसा टॉपिक, जैसे आपने मुझे बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे हाँ, कि अगर मुझे आप ध्यान डेमो है. दे रहे हो तो इसको तैयार करो, क्योंकि आप उसमें एग्जाम्पल्स अच्छा सेट कर सकते हो, तो मैंने वैसा ही किया था। तो कुछ आप जैसे मान लीजिए अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हो तो आप डाइस लेके जा सकते हो या फिर आप कार्ड्स लेके जा सकते हो, तो ये थोड़ा सा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, ये सोचना चाहिए।
डिस्कशन हमने ये तो पर जो करा भी था, इम्पोर्टेंट आपको याद लेक्चर, होगा, तो हम जब सेशन कर रहे थे डेमो वाला, हमने डिस्कस करा था यस इसको सर, लेकर के, कि आप कुछ ऑब्जेक्ट लेके बिल्कुल सर, जाइए, बिल्कुल, उसको रेप्लिकेट कीजिए वहां पे, तब और अच्छा प्रेजेंटेशन होता है आपका। हाँ जी, यस गो सर, अहेड। एग्जैक्टली सर। तो ये था सर, मतलब अगर आप ऐसे टॉपिक चूज करो जो सर बताते हैं कि आप उसमें कुछ अगर लाइव प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज वो बहुत इंप्रेसिव होता है। राइट, एब्सोल्युटली। और अविनाश, नेक्स्ट स्टेप जो आपसे लेंगे हम, वो लेंगे आपकी इंटरव्यू की, इंटरव्यू के लिए, बिकॉज आप तो एक ट्रेन टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो काफी टाइम से, मतलब इस जर्नी में हो, बट एक फ्रेशर अगर स्टार्ट कर रहा है, पहली बार स्टार्ट कर रहा है, तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बुक्स है, कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ से दे कैन एक्चुअली गेन एवरी सिंगल थिंग, ये प्रैक्टिस शुरू कहाँ से करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको दो तीन रेफरेंस बुक देखना चाहिए, जैसे आरडी शर्मा, एक अगर मैथमेटिक्स का कोई टीचर है तो उसको आरडी शर्मा कंप्लीट सॉल्व करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है कि आप पी आरएमओ एंड आरएमओ लेवल की आप बुक जरूर पढ़ के जाओ, उसको कंप्लीट सॉल्व करो, क्योंकि आप अगर किसी भी नेशनल ब्रांड में जा रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से होते हैं। और हाँ, कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं सर, जैसे प्रोबेबिलिटी आप 10th लेवल तक तो पढ़े हुए, लेकिन आपको 11th भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सा अपर लेवल भी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10th तक पढ़ा रहे हो तो आपको केवल 10th तक आनी चाहिए, नहीं, आपको 11th तक चीजें आनी चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, लॉगरिदम्स आना चाहिए, तो ये सब आपको 11th तक के आने चाहिए। पांच छह चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आने ही चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी है सर, अगर कोई फ्रेशर है तो मेन ये है कि कम से कम 2 से 3 टॉपिक डेमो के लिए अपना बिल्कुल इतना अच्छा तैयार रखे कि एग्जामिनर किसी भी लेवल से जाके अगर पूछे तो वो किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि परफेक्ट एग्जामिनर बहुत परफेक्ट डीप पॉइंट। जाता है आपके, आपको अगर उसने चूज करने को दिया कि आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करो तो वो बहुत डीप जाएगा उसमें, ये ध्यान रखना है आपको। परफेक्ट परफेक्ट। सो गाइस, ये बहुत रेलेवेंट टिप्स मिल रही है आपको उन पर्सन से जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, इस जर्नी में हैं, इंटरव्यू क्रैक करके रखा हुआ है, तो प्लीज नोट दिस पॉइंट्स, और जब आप पढ़ते हो ना, तो प्लीज ट्राई टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, ये काफी हेल्प करने वाली है आपको। तो अविनाश, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है, बिकॉज आपने पूरी मॉक की जर्नी को देखा है, डेमो देखा हमारे साथ, इंटरव्यू देखा, फीडबैक लिया, नोट्स लिए, तो मॉक, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि मॉक एक्चुअली क्या हेल्प करता है इस पूरी जर्नी में, तो आपके हिसाब से मॉक की क्या वैल्यू है इस पूरे जर्नी में, इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में? बहुत वैल्यू है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत सारा है, मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है मुझसे। आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछोगे मैं बिल्कुल फ्लुएंटली आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जब आप पहली बार जा रहे हो तो कोई डायरेक्ट आपसे टेक्निकल राउंड नहीं करता है। और अगर आपने मॉक दिया, फिर मेरा क्या है कि जब पहली बार मैम ने मेरा मॉक लिया तब मुझे याद है कि मैं कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजीली बता पा रहा था, जैसे बेसिक इंट्रो में बता पा रहा था, लेकिन वही मैं बताया कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपने कभी सुना नहीं है, कभी उसका जवाब नहीं दिया है, तो आप फ्रेम नहीं कर पाओगे। और वहां अगर आप डायरेक्ट अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और वहां आप अगर अटक गए कि अरे सर इसका क्या आंसर दें, तो वहां राइट, आपका निगेटिव इमेज बन गया। लेकिन अगर आपने बिल्कुल मॉक दिया है तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। एक तो ये पता चल जाएगा कि बेसिकली इंटरव्यूअर के माइंड में क्या होता है, वो क्या पूछता है, और दूसरे कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्या आंसर देना है, विच विल बी द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये, और एक बार अगर आप मॉक में बैठे हो ना तो फाइनल में जब आप बैठते हो तो लगता है कि अरे सर ही तो जैसे मॉक ले रहे हैं, ये लगता है ना राइट, कि आप सिर्फ एब्सोल्युटली फाइनल फाइनल की तरह नहीं लगता, वो लगता है कि जैसे मॉक ही राइट चल रहा है आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी राइट एक्सपीरियंस कर चुके हो वो सिचुएशन, ये फायदा होता है। एंड व्हाट अबाउट डेमो? डेमो में आपने जो सीखा वो कैसे आपने अप्लाई किया अपने डेमो में, क्या हेल्प मिली आपको उससे? हाँ, डेमो में भी सर बहुत हेल्प मिला। जब मैंने, मुझे याद है कि मैंने पहला डेमो लेक्चर आपको भेजा था तो आपने सबसे पहली चीज कही थी कि इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, पहले तो आप लेंथ रिड्यूस करो, क्योंकि इतना लंबा कोई एग्जामिनर देखने नहीं जाएगा। और जब लेंथ ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि कोई टीचर क्या है ना कि बहुत स्लो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि 40 मिनट का मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो वो बहुत स्लो जाता है। और इंटरव्यूअर को इतना स्लो नहीं चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं बट बहुत स्लो भी नहीं चाहिए। तो लेंथ 15 से 20 मिनट जो आपने बताया, दैट इज द बेस्ट लेंथ ऑफ द डेमो लेक्चर। और दूसरा है कि टॉपिक्स बिल्कुल से क्लियर होने चाहिए, आप परफेक्ट टॉपिक्स लो, जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा लिया, क्योंकि हर टॉपिक से चीजों को उतने इजी वे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन जैसे भी टॉपिक्स हैं
जो कम टाइम में भी आप उनको मैक्सिमम आप अपना नॉलेज यूटिलाइज कर सकते हो उनको एक्सप्लेन करने में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। और सर परफेक्ट। आपने मेरा डेमो लेक्चर जब मैंने भेजा था आपको, तो आपने देख के उसमें थोड़ा सा ये भी कहा था कि इमोशंस को आप कंट्रोल करो, थोड़ा सा जो उतार मोनोटोनस, स्टार्टिंग में मेरे लेक्चर्स जो थे वो मोनोटोनस थे, क्योंकि मैंने ऑफलाइन ज्यादातर पढ़ाया है, ऑनलाइन तो कम पढ़ाया है, तो मेरे जो लेक्चर ऑनलाइन जाते थे वो मोनोटोनस जाते थे, मतलब लगातार एक ही पेस पे जा रहे हैं। वो आपने कहा कि उसको थोड़ा सा सुधारो, तो मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया, तो ये सब मिला जुला के मतलब काफी फाइनल जाते जाते जब आपने मेरा डेमो देखा तो आपने कहा कि नहीं अब बेस्ट है, बढ़िया है, ये मुझे फायदा मिला सर। तो गाइस ओवरऑल आप देख रहे हो कितनी बारीकियां हैं इनके डेमो में। मतलब तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट किया, पहले लेंथ पे काम किया, फिर बाकी उसमें जो मोनोटोनस उनकी लेंथ थी, उनका जो पिच था उस पे काम किया। दिस इज द वे ऑफ इम्प्रूवमेंट। वी के नॉट इम्प्रूव इन वन डेमो। हमें टाइम लगता है सोचने में, समझने में क्या क्या इम्प्रूव। जैसे अविनाश ने पहले स्टार्ट किया लेंथ से, फिर सेकेंड चीज के आगे बढ़े, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। तो ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होती है जो हम सेशंस करवाते हैं डेमो के, उसमें वी ट्राई टू गिव यू बारीक बारीक टिप्स ताकि उसको समझो, आप समझो अपने आप से, अपने आप पे एग्जीक्यूट करो कि क्या चीजें आप कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट जब डेमो वहां देते हो। जैसे अविनाश ने एक अच्छा पॉइंट बोला, जब आप मॉक दे रहे हो वहां पे ना, तो आपको ये फील होता है कि मैं एक मॉक दे रहा हूँ वहां पे। वो इंटरव्यू इंटरव्यू लगता ही नहीं है आपको, आपको लगता है मैंने ऑलरेडी मॉक दिया हुआ है, मैंने बेसिक क्वेश्चन करे हुए हैं, तो अब मेरे लिए कोई इंटरव्यू नहीं, मेरे लिए बिल्कुल मॉक है। प्रेशर नहीं रहता माइंड पे कि इंटरव्यू का प्रेशर है, इंटरव्यूअर है, क्या सोचेगा क्या बोलेगा, वो कभी नहीं होने वाला है। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू एग्जीक्यूट कैसे करे, कहाँ से करे, क्या बोले। और अविनाश जो पॉइंट बोले, बेसिक क्वेश्चंस, आप टेक्निकल क्वेश्चन तो हैंडल कर लोगे, आप फैकल्टीज हो, आप पढ़ा रहे हो, हम आपको शेप करते हैं उस डायरेक्शन में, बट बेसिक क्वेश्चंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, हॉबीज, जितने ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करने में टाइम लगाते हैं। और वहां अगर आपने गलत बोल दिया तो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी नेगेटिव पड़ गई अगर, तो नो वन कैन हेल्प यू टू गेट द जॉब। इसीलिए जरूरी है कि वहीं से आप सीखे, वहीं से आप एग्जीक्यूट करें, ताकि यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दिस लेसन। सो इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू ज्वाइन मॉक सेशन, जहां आपको ये सब चीजें हम सिखा सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो मॉक ज्वाइन करने के 3 बेसिक मेथड्स हैं, जिसके थ्रू यू कैन कनेक्ट विथ मी, माई टीम, एंड वो आपको हेल्प आउट करेंगे विथ योर कंप्लीट जर्नी। पहला एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दैट नंबर, माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल योर क्वेश्चन एंड दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ मॉक विल हेल्प यू इन योर कम्प्लीट जर्नी। सेकेंड, एक गूगल फॉर्म है हमारा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आपको, उसको आप भर दीजिए, माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड। एंड तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दैट चैनल यू गेट टू लर्न एवरी सिंगल थिंग, कौन सी जॉब आ रही है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है, वी शेयर एवरी थिंग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आप आओ, ज्वाइन करो, डेफिनेटली यू लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दैट वीडियो। तो अविनाश, कमिंग बैक टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपसे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं बिरला ओपन माइंड कैसी कंपनी है, वर्क कल्चर कैसा है वहाँ पे, सैलरी कैसी मिलती है वहाँ पे। इफ यू कैन जस्ट गिव मी अ शॉर्ट ब्रीफ, एक कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, काम कैसा है, और सैलरी का एक रेंज क्या होता है। एक कोई बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है फ्रेशर या एक्सपीरियंस, तो सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है बिरला ओपन माइंड। यस सर, वर्क कल्चर तो बहुत अच्छा है सर यहाँ, ऑल द पीपल्स आर वेरी हेल्पफुल, आपको बिल्कुल से ये नहीं लगता कि दिस पर्सन इज सीनियर, दिस पर्सन इज जूनियर, सब इतना वेल ट्रीट करते हैं आपसे कि एक्स्ट्रा प्रेशर कोई भी आपको मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट नहीं करता कि नहीं दिस यू हैव टू डू दिस वर्क एट द राइट नाउ, तो बहुत मतलब हेल्पफुल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। और लातूर में जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ इसे कोटा ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं, मतलब यहाँ स्टडी का बहुत सारा सेंटर है, बहुत सारा, और अप्रॉक्स 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब ओ बहुत माय गॉड, बड़ा अमाउंट है। और सर यहाँ पे जो मेरा अभी बिरला ओपन माइंड स्कूल है ये फाउंडेशन क्लासेस इनका चलता है, तो नीट और जेई की प्रिपरेशन भी 6th क्लास से ही कराते हैं, तो मेरा काम भी भैया फाउंडेशन क्लासेस देना, तो लोग बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। सैलरी का यहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे बट 6 to 8 लाख का यहाँ का रेंज है सैलरी का फॉर फाउंडेशन, अप टू 10th की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी ये अकोमोडेशन भी देते हैं, जैसे अभी मैं जिस रूम में हूँ ये 2 BHK है, और इन्होंने अच्छा। रहना रहने वहने का सारा सिस्टम इनका ही है, तो और टोटल फ्री ऑफ इन्होंने कॉस्ट रहने है, का दिया है ये सर, तो मुझ मेरा कोई भी खर्चा भी नहीं होना है, कंप्लीटली इनका, इन्होंने बेड से लेके और एवरी बेसिक थिंग, चम्मच से लेके और कटोरी प्लेट सब वाओ कुछ दिया है इन्होंने, टेबल चेयर वाओ, सब कुछ, तो दिस इज वेरी ग्रेट गुड, फॉर मी।
तो हाँ वो भी मतलब फिर आप ठीक है, एटलीस्ट 20,000। अगर सब मिल रहा है अकोमोडेशन वगैरह तो फिर खर्चा ही नहीं है हमारा कुछ, जो सैलरी आ रही है वो बच एग्जैक्टली रही है। सर, फिर कोई खर्चा ही नहीं है, आपकी पूरी सैलरी बच रही है। और मुझे रूम भी दिया इन्होंने जस्ट 100 मीटर पे स्कूल के, तो अच्छा दैट गुड, इज वेरी तो वॉकिंग यस डिस्टेंस सर, भी है, जा वॉकिंग सकते हो आ सकते हो आप वॉकिंग जाके यस अपना। सर, तो गाइस तो बहुत इससे अच्छा बेस्ट नहीं हो इन्वायरमेंट है सकता है फिलहाल। कुछ भी। ऑब्वियसली इससे बेस्ट यस क्या हो सर, जाता है, आपको सैलरी मिल रही है 6 से 8 लाख रुपए की, जो आपके पैसे लगते हैं बाहर खर्च होते हैं रहने खाने पीने के, वो सारे बच गए। और चम्मच कटोरी सब दे रखा है आपको, आपको कुछ परचेज भी नहीं करना है, बगल में स्कूल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है, और क्या ही चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल सर, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं नोएडा में 10 लाख का पैकेज छोड़ के यहाँ ज्वाइन किया मैंने। ओ भाई देखिए, 10 लाख का पैकेज छोड़ के यहाँ ज्वाइन किया, बिकॉज एक ब्रांड है, ब्रांड की अपनी वैल्यू होती है, आप मानो या ना मानो, ब्रांड अपना ब्रांड का काम करता है। पैकेज कुछ भी हो, फैसिलिटीज कुछ भी मिल रही हो आपको, अकोमोडेशन कुछ भी मिल रहा हो आपको, जो ब्रांड करता है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो इट्स ऑलवेज अबाउट पैकेज, एग्जैक्टली कि पैकेज क्या मिल रहा है, सैलरी क्या मिल रही है, आप सीख कितना रहे हो, सिखा कितना रहे हो, आप कितना इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर जॉब में, ये बहुत 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 हेल्पफुल रहता है। आप सबको बोलूंगा मैं अपने एंड से कि पैकेज सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी थिंग है आपका अपना कंफर्ट, आप कहाँ कंफर्टेबल यस हो, कौन सी सर, ब्रांड बुला रही है आपको, आप कितना सीख पा रहे हो उससे, दीज ऑल थिंग्स एब्सोल्युटली मैटर्स। मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, आजकल के लोग जो होते हैं वो पैसा कम प्रेफर करके अपना कंफर्ट देखते हैं, कि मैं क्या सीख पाता हूँ इस चीज से, मेरी लर्निंग क्या होने वाली है, देन दे गो टू नेक्स्ट स्टेप, कि अब पैसा क्या मिलने वाला है हम वो देखते हैं, देन वी विल स्टार्ट दिस जर्नी। तो अविनाश, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट वीडियो, आपसे कुछ बेसिक टिप्स लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हार जाते हैं, एक दो इंटरव्यू दिए क्रैक नहीं हो पाया, छोड़ देते हैं कि छोड़ो हमसे नहीं हो पाया कहीं इस फील्ड में, तो उनके लिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी इंटरव्यू क्रैक किया है, आप जानते हो, आप किस साल से पढ़ा भी रहे हो, टीचिंग लाइन में टीचर से हो, तो आप इस, यस आप सर, बेस्ट पर्सन हो इस समय ये बताने के लिए कि वो क्या मोटिवेशन है आपके अंदर जो आपको पुश करता है टू गेट बेस्ट इन एवरी इंटरव्यू आपके साइड से। यस सर, 2 से 3 चीज मैं बताना चाहूंगा सर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। हर रात के बाद एक सुबह जरूर होती है, हमेशा आपको एक नई शुरुआत करने का मौका जरूर मिलता है, और ये जरूर मिलता है। हो सकता है किसी को 4 दिन में मिले, किसी को 4 महीने में मिले, बट मिलेगा सबको। इफ यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली देन डेफिनेटली यू विल गेट द चांस। और हाँ, वो कभी किसी को आगे पीछे मिल सकता है, मेरे साथ ही हुआ। मुझे याद है, मैं बस ये कहना चाहूंगा, जो भी फ्रेशर हैं या जिनकी भी जॉब अगर छूटी है किसी भी वजह से, तो आपको रुकना नहीं है। अगर जैसे एक कहावत है एक, कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत। तो वही है कि अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ पा रहे हो, आप होम ट्यूशन प्रोवाइड करो, आप कहीं भी जाके किसी छोटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, आप खाली मत बैठो। खाली बैठने से क्या होगा, एक तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, बहुत निगेटिव माइंड, बहुत निगेटिव हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि आपकी फ्लुएंसी खराब हो जाएगी। फिर अचानक से मान लीजिए आप 2 मंथ के लिए आपने पूरा काम छोड़ दिया, फिर सडनली आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली और आप वहां जा रहे हो, तो फिर बिल्कुल से आप उस एनवायरमेंट में ढल नहीं पाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम होंगी, चीजें आपका जो पहले से फ्लो था वो खराब हो जाएगा। तो रुकना नहीं है, आपको छोटा ही करते रहना है, लेकिन करना जरूर है सर, ये मेरे एंड से सबको, ये मेरा मेरी सलाह है सर। और बाकी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हाँ कभी थोड़ा बहुत टाइम हो लग सकता है, मे बी भगवान ने आपको कुछ बहुत बेहतर करने के लिए रोका हुआ है, ऐसा भी तो हो यस सकता सर, है। तो आप बिल्कुल अपने ऊपर फेथ रखिए, इम्प्रूव करिए। सबसे बड़ी बात, आप चेक करो कि वाई यू आर नॉट गेटिंग द राइट थिंग, उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। आप प्रिपेयर करो, आप देखो, आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रहे हो, रिटेन नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तो आप उन सारी चीजों पे वर्कआउट करो, थोड़ा टाइम लो, गाइस बट हैव पेशेंस, गाइस डेफिनेटली ऑल द थिंग्स विल बी बेटर। गाइस, ये एक एक्सपीरियंस ये फैकल्टी बोल सकता है आपको, जिन्होंने खुद देखा है, जर्नी को पास से देखा है, महसूस किया है, तो प्लीज डू थैंक अविनाश सर लेटर कि उन्होंने इतनी वैल्यूएबल टिप्स दी, टाइम दिया अपना फॉर ऑल दिस सेशन, बिकॉज ये लर्निंग ना आपको कोई सिखा नहीं पाएगा कहीं पर भी। द पर्सन हु हैज हिमसेल्फ ट्राइड एवरीथिंग, देखा है, सीखा है, समझा है, वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपके लिए, हु कैन मेक यू लर्न। तो प्लीज डू थैंक हिम लेटर, अगर कोई भी हेल्प मिलती है आपको इनके टिप्स एंड ट्रिक्स से तो बिल्कुल थैंक कीजिएगा, एंड अपने लाइफ में अप्लाई करिए इन चीजों को, एंड ट्राई टू क्रैक द इंटरव्यू। मुझे गुड न्यूज दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आई कैन ऑल्सो सेलिब्रेट, हम मिलेंगे ऐसे सेशन में, आपके साथ भी मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट प्लीज डू अप्लाई दीज थिंग, बिकॉज अविनाश सर इज अ ग्रेट टीचर, जिन्होंने सीखा और हर दिन, ये एक्सपीरियंस पहले से थे तो इन्होंने कभी एटीट्यूड रखा नहीं वैसा वाला कि मैं जानता हूँ मुझे आता है, नहीं, ही वॉज एवरी टाइम काम,
को सुनते थे, समझते थे, सीखते थे, तो बस ऑलवेज हैव दिस एबिलिटी कि सीखना है, सीखना है, सीखना है, कुछ भी हो जाए हम बस सुनना है और सीखना है, जितना सीखोगे उतना एक्सिक्यूट करोगे। सो विद दिस थॉट वी एंड टुडेज वीडियो हेयर, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में विद सम न्यू पर्सन जो आपको नई टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। बट प्लीज थैंक अविनाश सर फॉर हिज टाइम, फॉर हिज एफर्ट्स एंड फॉर एवरी टिप दैट ही हैज शेयर्ड। और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो विद ईच एंड एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स जिनको नीड है जॉब की, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो इफ जॉब इज योर रिक्वायरमेंट, मेहता वॉइस इज योर सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून, बाय बाय।